نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب، صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، حضرات معتکفین و معتکفات، اور اسٹیج اور پنڈال میں موجود تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین، خاص طور پہ میرے ساتھ لندن میں موجود سابق ناظم اعلیٰ ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، اور پنڈال میں لاہور کے اسٹیج پر میرے سامنے موجود موجودہ ناظم اعلیٰ خرم نواز گنڈا پور صاحب، مفتی عبد القیوم خان صاحب ہزاروی، اور حسن بھائی اور حسین بھائی کے ساتھ دائیں بائیں موجود جتنے بھی احباب اور نمائندگان موجود ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم حسب سابق ماہ رمضان المبارک کے اس آخری بابرکت عاشرہ میں موجود ہیں، اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو امسال پھر اللہ جل مجدہ کی توفیق سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کی مرکزی اعتکاف گاہ میں اللہ رب العزت کے حضور معتکف ہیں، اور آپ سب حضور قدوۃ الاولیاء سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی القادری البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ بیٹھے ہیں. میں آپ کو اعتکاف میں حاضر ہونے اور 10 دنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر اس کا سائل بن کے بیٹھنے پر مبارکباد دیتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص طور پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو، ہزارہا کی تعداد میں ہماری بہنیں بیٹیاں اور ہماری مائیں ہر سال کی طرح اعتکاف میں ہیں. اللہ رب العزت آپ کے عزم کو، ارادے کو، آپ کی استقامت کو، آپ کی لگن کو، آپ کی محبت کو، آپ کی وابستگی کو ہمیشہ سلامت رکھے، استقامت دے اور اس کی حفاظت فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائے. اور جنہوں نے حسب سابق
पूरी एतिकाफगाह बसाई है, सजाई है, शबाना रोज़ मेहनत करके जवाद हामिद की पूरी टीम, नाज़िम आला साहब मोहतरम खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब की निगरानी में शबाना रोज़ काम करके जिन्होंने अजीम शान एतिकाफगाह को पुरौनक बनाया, वसाइल मुहैया किए, इंतज़ाम किए। इधर हमारी बेटी फरा नाज है, फिर उसके साथ जो विमल लीग की नाजिमा है, हमारी बेटी सिदरा है, दीगर बेटियां हैं विमल लीग की और गर्ल्स कॉलेज की पूरी टीम है। ये मैं देख रहा हूँ सारी बेटियां सामने बैठी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम का, अपनी रहमत का, मदद व नुसरत का, अपनी कुर्बत का, अपनी इनायत का साया आपके सरों पर रखे, हर वक्त आपको ठंडक मिले बारगहे मुस्तफ़वी के फैज़ से, और आकल इस्लाम की तवज्जुहात आपकी तरफ़ रहें, आपकी काविशें कबूल हों, आप इस तहरीक की एक अजीम काविश, एक अजीम तहरीक जो तजदीद दीन की तहरीक है, जो इहयाए इस्लाम की तहरीक है, जो इस मादी गुज़रे हुए जवाल पज़ीर दौर में इस्लाम की कदीम रूहानी अखलाकी इल्मी फिक्री दीनी और एतिकादी कदरों को ज़िंदा करने की तहरीक है, जो माजी को हाल से जोड़ रही है और हाल को माजी के साथ पैवस्ता करने की कोशिश कर रही है, जो मुर्दा दिलों को जो तहरीक ज़िंदगी देने की काविश पे लगी है, जो तहरीक लोगों के अकायद दुरुस्त करने पर शब व रोज़ मसरूफ़ है, जो तहरीक लोगों के आमाल और अहवाल दुरुस्त करने पर में मसरूफ़ है, जो तहरीक लोगों के फ़िक्र व नज़र को सही जाविया सही रास्ता देने पर लगी है, वो तहरीक जो लोगों की ज़िंदगियों में असलाफ का रंग पैदा करने पर लगी हुई है, वो तहरीक जो इस दौर की मौत में ज़िंदगी के आसार पैदा कर रही है, वो तहरीक जो नस्लों को ईमान की ताकत और नूर के साथ मुस्तकबिल में ले जा रही है, जिस तहरीक ने मुर्दा कदरों को ज़िंदा कर दिया है, अकायद की हिफाजत की है, लोगों के अखलाक की हिफाजत की है, लोगों के आमाल की हिफाजत की है, लोगों के अहवाल की इसलाह की है, दीन की कदरों को ज़िंदा किया है, दीन के फ़िक्र को आम किया है, जिस तहरीक ने इस दौर के लोगों को कुरान से जोड़ा है, सुन्नत रसूल से जोड़ा है, इल्म से जोड़ा है, फ़िक्र से जोड़ा है, सेहत अकीदा से जोड़ा है, ज़िंदगी की कई जहतों में जिस तहरीक ने इस्लाह का बेड़ा उठाया है, आप उस तहरीक के फ़र्द हैं, रुकन हैं, मेरे बेटे हैं या बेटियां हैं, आपने उस तहरीक का इहयाए दीन का तजदीद दीन का अलम उठाया है और नस्ल दर नस्ल इसे आगे पहुँचा रहे हैं इस काम को, और हर साल एक तरबियत गाह सजाते हैं, ये एक रूहानी वर्कशॉप है, रूहानी वर्कशॉप है जिसमें सबक देते हैं और सबक लेते हैं लोग, ये सबक फिर आगे ले जाते हैं और साल भर इस सबक को आगे दोहराते हैं। आप इस अजीम काम में मेरे साथ बराबर के शरीक हैं, हिस्सेदार हैं तजदीद दीन के काम के, पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। जो अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर सदी में दीन की तजदीद करने वालों के लिए लिखा है, उसी अजर का हिस्सा आप में से हर एक फ़र्द, मर्द है या औरत, मेरा बेटा है या बेटी, भाई है या बहन, उसके नाम आमाल में लिखा है। और आपके एतिकाफ की एक इनफरादी खसूसियत ये भी है कि एतिकाफ तो लोग अपने मोहल्लों की मस्जिदों में भी बैठ लेते हैं, हर कोई अपनी समझ बूझ के मुताबिक अल्लाह अल्लाह कर लेता है वहाँ, मगर अल्लाह अल्लाह करना सिखाता कोई नहीं। इस एतिकाफ की इनफरादियत ये है कि आप यहाँ अल्लाह अल्लाह करना सीखने आते हैं और अल्लाह अल्लाह करना सिखाने जाते हैं। यहाँ आपके लिए तदरीस होती है, आपके लिए तरबियत होती है, आपके अखलाक की तरबियत होती है, दीन सीखते हैं, दीन को ज़िंदगी में दाखिल करना सीखते हैं,
दीन का नूर उसकी शमा अपने अंदर रोशन करते हैं और फिर उस शमा को लेके उस नूर को दुनिया में फैलाते हैं, तारीकियों से लड़ते हैं। आप दीन को अपने अंदर मजबूत करते हैं, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ते हैं, मजबूत व मुस्तहकम करते हैं। फिर जिन लोगों का ताल्लुक टूटा हुआ है उनके ताल्लुक जोड़ने के लिए उसकी मुरम्मत करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उस पर काविश करते हैं। इस एतिकाफ़ और एतिकाफ़ गाह की बड़ी जहतें हैं, बड़े डाइमेंशंस हैं। ये एतिकाफ़ गाह और एतिकाफ़ इस तहरीक का न्यूक्लियस है, इस मिशन का जो दावत और तरबियत का काम है उसका मरकज़ है, महवर है, उसकी रूह है। इससे आपने अपने आप को रिवाइव करना है और फिर रिवाइवलिज्म का अपनी तजदीद करनी है और फिर इस तजदीद के काम को लेके आगे जाना है। मेरी दुआ है कि आप हमेशा इस्तेकामत के साथ रहें, ज़माने बदलते रहें मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अहवाल को अच्छाई की तरफ बदले, बुराई की तरफ नाजिल न होने दे, आपको इस्तेकामत दे अल्लाह। आज 21वीं रमज़ानुल मुबारक की रात है और ये शहनशाह है विलायत सैयदना मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की शब शहादत भी है और हमारे एतिकाफ़ की इब्तिदा भी है। जैसा कि आपको मालूम हो चुका है इस एतिकाफ़ में मेरा दर्स होगा दो किताबों पर मबनी, गोया मैं मुलख़सन और मुंतखबन इंतखाब करके बाज़ चीदा चीदा मुकामात पढ़ाऊँगा आपको दो किताबों के। एक किताब हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म गौसु सकलैन शेखुल कुल सुल्तानुल औलिया सैयदना अबू मुहम्मद मुहियद्दीन अश्शेख अब्दुल क़ादिर अल हसनी अल हुसैनी अल जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी किताब गुनियतु तालिबीन। उस किताब के बाज़ ऐसे हिस्से जिनका ताल्लुक इस्लाह अहवाल के साथ है वो हमारे इस एतिकाफ़ के दौरान दर्स का हिस्सा होंगे। और दूसरी किताब हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब है बिदायतुल हिदाया। इब्तिदा में दुरूस की बिदायतुल हिदाया से कर रहा हूँ कि हिदायत की इब्तिदा कैसे होती, और फिर इमाम ग़ज़ाली ने ख़ुद लिखा है कि एक हिदायत की नहाया भी है, इंतहा भी है। तो हिदायत की इंतहा कैसे होती है उसे समझाने के लिए बाद की रातों में गुनियतु तालिबीन से दर्स होगा। इब्तिदा के लिए, इब्तिदा को समझाने के लिए दर्स होगा इमाम ग़ज़ाली की किताब का, और इस हिदायत की इंतहा कमाल को समझाने के लिए दर्स होगा हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म की किताब का रज़ी अल्लाह ताला। आज की रात का जैसा मैंने ज़िक्र किया कि सैयदना मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत की रात है, तो मैं वहाँ से अपने आज की गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि वो शहनशाह विलायत हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में विलायत का दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना मौला अलीउल मुर्तज़ा से खोला है उम्मत में, और तमाम औलिया उम्मत को फैज़ आपकी बारगाह से बतौर ख़ास मिलता है। सो आज उनके हवाले से ज़िक्र ये होगा और उसी ज़िक्र से मैं बात को शुरू करना चाहता हूँ कि विलायत क्या है।
یہی مضمون کہ ولایت کیا ہے، ہمیں امام غزالی کی کتاب بدایۃ الہدایہ میں داخل کر دے گا. وہ بھی اپنی کتاب کی ابتدا اسی مضمون سے کرتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے. ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ولایت کیا ہے. قرآن مجید کی جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی، ان میں سے ایک حصہ آیہ کریمہ کا سورہ بقرہ کا ہے، اور وہ آیت نمبر 257 کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی تمام اہل ایمان کا ولی ہے. گویا اللہ ہے ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے. ولی کا معنی کیا ہے؟ کئی معنی کرتے ہیں اہل لغت بھی اور اہل معرفت بھی، مگر جو تمام معنی میں وہ معنی جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اقرب ہے ولایت کے تصور کے لیے، سب سے قریب ہے، وہ ہے ولی کا معنی قریب ہونا. ولی کہتے ہیں قریب کو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اور میں نے وہ حصہ آیت بھی تلاوت کیا ہے، ارشاد فرمایا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میری نسبت پوچھیں، میری نسبت دریافت کریں کہ میں کہاں ہوتا ہوں، تو انہیں بتا دیں فإنی قریب، کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. فرمایا فإنی قریب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں. سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تم سے ہرگز دور نہیں ہوں، بالکل قریب ہوں. یہ ارشاد فرمانا کہ فإنی قریب، کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اس ارشاد کا معنی ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں. کتنا قریب ہوں؟ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ سورہ قاف میں فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور یہاں ایک بات فرمائی کہ چونکہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کیا ہے تاکہ اسے آزمائیں کہ وہ ہمارے قریب آتا ہے یا ہم سے دور جاتا ہے. یہ بات اہم ہے. کیوں پیدا کیا اللہ رب العزت نے؟ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانیں، الا ليعبدون، کہ وہ مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں. اس آیت کریمہ کا یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ليعبدون اے ليعرفون، تو انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانیں. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پہچانیں؟ اللہ رب العزت کو یہ کیا ضرورت پیش آئی؟ اور وہ ضرورت سے پاک ہے، وہ محتاج نہیں ہے، کوئی ضرورت اس کی ضرورت نہیں. اس نے
इंसान को इस अमर के लिए क्यों पैदा किया कि वो उसे पहचाने, उसे अपनी पहचान करवाने की क्या कोई ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत नहीं। तो फिर पैदा करके अपनी मारिफत क्यों देना चाहता है, उस क्यों चाहता है कि इंसान अल्लाह को पहचाने? इसलिए कि वो इंसान को पैदा करने के बाद इस दुनिया में भेजकर उसका इम्तिहान लेना चाहता है, उसको देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? कि वो मेरे करीब होता है या मुझसे दूर जाता है। इसलिए सूरा 3 में इरशाद फरमाया, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को पैदा किया है मगर बड़े अच्छे क़िवाम के साथ, उसकी तख्लीक बड़े अच्छे खमीर के साथ की है, उसकी तख्लीक में बड़ी खूबसूरत चीज़ें रखी हैं, बड़ी खूबसूरत सलाहियतें रखी हैं, उसकी तश्कील बड़ी खूबसूरती से की है और बड़ा अच्छा बनाकर, यानी उसमें इतना खूबसूरत बनाया कि मैंने खुद उसके जिस्म में अपनी रूह फूंकी है, अपनी रूह का चराग फूंका है। वनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, उसको आसन तकवीम क्यों फरमाया? कि वो बहुत खूबसूरती के साथ बनाया है। वो खूबसूरती के साथ जो बनाया है, एक उसका ज़ाहरी पहलू है कि उसके पूरे जिस्म के अंदर एक खूबसूरत तवाज़ुन रखा है, एक इतदाल रखा है, उसे एक मुतवाज़न जिस्म दिया है, ये एक अलग बात है। मगर इससे ज़्यादा बड़ी खूबसूरती ये है कि उसके बातिन को खूबसूरत किया है, उसके बातिन को रोशन किया है, बावजूद इसके कि उसका ज़ाहिर मट्टी से बनाया था, गारे से बनाया था। गारे और मट्टी से बनाए जाने वाले ज़ाहिर के बातिन को उसके उसका एक ज़ाहिर का वजूद है जिसको मट्टी गारे से बनाया है, उसमें तारीकी है, उसमें मादी खसूसियात रखी हैं और उन मादी खसूसियात की वजह से उसका उनवान रखा है, उसको बशर कहा है। बशर कहा है इसलिए कि उसके अंदर मट्टी की जो अज्ज़ा हैं, 3 के, तुराब के, माँ के, पानी के, मट्टी के, हवा के, आग के, वो जो अज्ज़ा हैं इस मादी दुनिया के, वो अज्ज़ा हिस्सा बनाए हैं उसकी जिस्मानी तख्लीक का। और जो जो खूबियाँ, प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, सलाहियतें जो इन चीज़ों में होती हैं, मट्टी में होती हैं, पानी में होती हैं, हवा में होती हैं, आग में होती हैं, जो इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस मादी दुनिया में, आप मट्टी को देख लें तो फिर मट्टी का केमिकल एनालिसिस करें तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़, खूबियाँ निकलेंगी, वो खूबियाँ इंसान के जिस्म के अंदर हैं। पानी का केमिकल एनालिसिस करें तो जो उसके अंदर अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खूबियाँ निकलेंगी, वो इंसान के जिस्म में, जिस्मानी ज़िंदगी में हैं। हवा के अंदर जो कुछ है वो इंसान के जिस्म में है, आग में जो कुछ है वो इंसान के जिस्म में है। इन सारी चीज़ों का जो इसमें मादी कायनात में पाई जाती हैं, ज़मीन और आसमान के दरमियान जो पाई जाती हैं, जो कुछ, और उनकी जो खसूसियात हैं, उन सारी खसूसियात को इंसान की जिस्मानी, इंसान के जिस्मानी वजूद में हमने जमा किया है। अब जिस्मानी वजूद में जब ये खसूसियात जमा हो जाएं, तो मुमकिन नहीं था कि ऐसा जिस्मानी वजूद रखने वाला शख्स या फ़र्द, उसका मन रोशन हो जाए, ये मुमकिन नहीं था। इसलिए कि रोशनी जिस दुनिया में है वो तो आसमानों से मावरा है, वो तो आलम मलकूत है, वो आलम जबरूत है, वो आलम लाहूत है, वो आलम है जहाँ मलाइका रहते हैं, अल्लाह की अनवार और तजल्लियात का डायरेक्ट नुज़ूल होता है, वो आलम नूर है। ये जो आलम बशरियत है, इसके अंदर जो खसूसियात हैं, तो वो मजमूई तौर पर उसमें तारीकी गालिब है,
उसमें मजमूई तौर पर तारीकी, जुल्मत, डार्कनेस गालिब है। इसलिए तो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने पर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरादा सुनकर कि वो हज़रत आदम को और इंसान को ज़मीन पर अपना नायब, अपना मज़हर, अपना नुमाइंदा बनाना चाहता है, ये सुनकर इंसान की जो तख्लीक थी कि जिस जिस चीज़ से इंसान बना है, क्योंकि खुद अल्लाह पाक ने फरमा दिया था इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाएं मसनून, मैं इस चीज़ के साथ इंसान के बशरी वजूद को बना रहा हूँ, इसमें मट्टी भी है, गारा भी है, चिपकती मट्टी है, बूदार है, आग है, धूप है, सनरसीदा है, पानी है, ये सारी चीज़ें। तो मलाइका इन तमाम चीज़ों के जो अज्ज़ा थे उन अज्ज़ा की खसूसियात से वाकिफ़ थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ, मलाइका उनसे वाकिफ़ थे। तो उन्होंने उसी मारिफत की बुनियाद पर कहा कि बारी ताला अगर इन चीज़ों के साथ ये एक वजूद बनाया है इंसान का, जिस वजूद की तश्कील इन अज्ज़ा से हुई है जो अज्ज़ा ज़मीन और ज़मीनी दुनिया के हैं, तो इससे तो वो समझ गए कि इससे तो तारीकी आएगी और तारीक किरदार जन्म लेगा और तारीक किरदार से फसाद जन्म लेगा, गुस्सा जन्म लेगा, बुग्ज़ो इनाद जन्म लेगा, अदावत जन्म लेगी, नफ़रत जन्म लेगी, आपस में दुश्मनी होगी, तबकाती मुनाफरत होगी, जंगो जिदाल होगा, फिर कत्ल गारत होगी, फिर खून बहेगा। क्योंकि वो देखो एनलार्ज करते हैं ना, जैसे आप एक छोटा सा एक सेल देखें, अगर कोई केमिस्ट्री का कोई उस्ताद हो या कोई रिसर्चर हो या साइंसदान हो, छोटा सा एक सेल देख लें, आपके जिस्म का ही कोई छोटा सा सेल हो, उसको माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो माइक्रोस्कोप उसको बड़ा करके दिखाता है, आम आँख जिसको नहीं देख सकती माइक्रोस्कोप उसको बड़ा करके दिखाता है। जिन लोगों को माइक्रोस्कोप का तजर्बा नहीं है और समझ नहीं, वो आतशी शीशा को तो जानते हैं जो लेंस होता है, उसको जब आप रखते हैं तो बारीक बारीक चीज़ें बहुत बड़ी होकर नज़र आती। आप अपने हाथ को देखें तो अपने हाथ की जिल्द पर आपको अपनी आँख से वो कुछ नज़र नहीं आएगा, अगर आप आतशी शीशा रख लें बहुत बड़ा अपने ही हाथ की जिल्द पर, तो आपको वो कुछ नज़र आएगा जो नंगी आँख से नहीं देख रहे थे। वो बारीक बारीक फिर रगें नज़र आएंगी, बाल नज़र आएंगे, मसाम नज़र आएंगे, और वो बारीक छोटी चीज़ को जो एक आँख नहीं देखती उसको बड़ा करके दिखा देता है, मैग्नीफाई करता है। बस मलाइका ने कैसे कहा, उन्होंने वो सारी खूबियों को मैग्नीफाई करके देख लिया था। मलाइका की आँखें उस लेंसेज की तरह थी कि जो आम आदमी नहीं देख सकता था कि इन चीज़ों से तश्कील पाने वाला आदमी क्या क्या करेगा, एक आम आदमी नहीं देख सकता, वो फ्यूचरिस्टिक विजन है, फ्यूचरिस्टिक विजन है। मगर उन सलाहियतों और ख़ूबियों के अंदर मलाइका जब झांक के देख रहे थे और उसको मैग्नीफाई करके देख रहे थे, तो उन्हीं चीज़ों से उनको अल्टीमेटली कत्ल गारत और खून बहना नज़र आ रहा था, क्योंकि वो इनबिल्ट है उस मादी कायनात और ज़मीनी चीज़ों के नतीजे में, और उनके मिलाप से जब कोई चीज़ बनती है तो वो इनबिल्ट है। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, अतिब्बा और हुकमा इस चीज़ को समझते हैं। पहली मिसाल एक मैंने साइंस के हवाले से दे दी थोड़ी लेबॉर्ट्री की। अतिब्बा हुकमा समझते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मुफरदात कहते हैं, एलिमेंट्स, और कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें मुरक्कबात कहते हैं, कंपाउंड्स। मुख्तलिफ मुफरदात को जब मिलाते हैं तो माजून बनती है, सफूफ बनती है, दवाई बनती है, सीरप बनता है। यही तरीका फार्मेसी में होता है, यही मॉडर्न मेडिसिन में भी है। कई चीज़ें मिलाकर आप कोई दवाई ले आएँ तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि ये चीज़ इसके अंदर है। वो जो एक एक चीज़ अंदर होती है अगर तनहा हो, वो सिंगल एलिमेंट, उसको मुफरदात कहते हैं। अब हर चीज़ की एक अपनी खासियत होती है, जैसे मैंने कहा अब पानी मुफरद नहीं है, एक मुरक्कब है, मगर उसके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनकी अपनी खूबियाँ हैं।
मट्टी एक मुरक्कब है, डस्ट है, उसके अपने अंदर कई अज्जा हैं और हर जुज की एक अपनी खूबी है। आग कई चीज़ों से बनती है, उसके अंदर खूबियाँ हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ और खूबियाँ जब आपस में मिलें, कंपाउंड बन जाए, उस कंपाउंड से हमारा जिस्म बनाए, तो उस कंपाउंड में वो सारी तासीरें, उसके असरात, उसकी खूबियाँ, वो अपने आप मुंतकिल हो जाती हैं जो मुख्तलिफ मुफरदात में थी, मुफरदात में थी। अब एक अच्छा जो कामिल तबीब होता है, उसकी खूबसूरती और कमाल उसके फ़न का ये होता है कि वो मुफरदात को इस तरतीब से मिलाए कि जो असर वो चाहता है उस कंपाउंड से निकले, वो असर पैदा हो जाए। कौन से मुफरदात कम मिकदार के हों, कौन से ज़्यादा मिकदार के, कौन से और ज़्यादा मिकदार के, ताकि तमाम एलिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स के मिलने के बाद जब वो कंपाउंड बने, वो मिक्सचर तैयार हो, तो मजमूई तौर पे उसका जो असर है, उसका जो इफ़ेक्ट है, वो निकले जो वो तबीब या डॉक्टर या फार्मासिस्ट चाहता है कि इस दवाई से पैदा हो। वो उसने एतदाल और तवाज़ुन पैदा करना है। अगर उसके मतलब का एतदाल और तवाज़ुन पैदा हो गया तो वो खूबसूरत बाकमाल चीज़ बन गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्योंकि उससे बड़ा मेकर कोई नहीं, अल्लाह से बेहतर क्रिएटर कोई नहीं, उसको मालूम है कि ये सारी चीज़ें जिनको मिला के, इंग्रेडिएंट्स को मिला के मैं इंसानी जिस्म का कंपाउंड बना रहा हूँ, मुरक्कब बना रहा हूँ, इनके अंदर तो ये चीज़ें भी हैं, मगर उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी खूबसूरती से आपस में जोड़ा और एक तवाज़ुन कायम किया, प्रोपोर्शनेटली जोड़ा, प्रोपोर्शन कायम की, एक ऐसी ब्यूटीफुल प्रोपोर्शन कायम किया कि वो सारा मिलकर वो बंदा ना नीरा नूर बना, ना नीरी तारीकी बना, ना बैड पॉइंट्स सारे गालिब आ गए और ना अच्छे पॉइंट्स गालिब आ गए, यानी फरिश्ता भी नहीं बना और शैतान भी नहीं बना, मगर उसके अंदर शैतान बन जाने के भी मलकात हैं इंसान में, इसलिए कई इंसान होकर शैतान बन जाते हैं, और उसके अंदर फरिश्ता बन जाने के मलाकात पोटेंशियल्स, फरिश्ता बन जाने के पोटेंशियल सलाहियतें भी हैं, इसलिए इंसान ऐसे भी हैं जो मलाइका से भी बुज़ुर्ग तर बन जाते हैं कि मलाइका उनकी ज़ियारत के लिए उतरते हैं और मलाइका उनकी हिफाजत के लिए उतरते हैं। तो गोया इंसान के अंदर सारे पोटेंशियल अल्लाह पाक ने और सलाहियतें रख दी हैं और इतनी खूबसूरती से जमा की हैं, उसको कहा अहसन तकवीम, बड़ी खूबसूरत इम्तिजाज के साथ बनाया। अब बना के फरमाया थुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन, फिर हमने उसको इस बड़ी हलाकत वाली दुनिया में भेज दिया, इस दुनिया में, मादी दुनिया में मुंतकिल कर दिया। तो मैं आपको बता रहा था कि मलाइका ने जब कहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि ये कत्लो गारत करेगा, खून बहाएगा, वो गोया माइक्रोस्कोपिक वियन था, उस वो उनके अज्जा के अंदर मैग्नीफाई करके उसके असरात देख रहे थे कि इंसान किस किस तरह डेवलप होंगे। उनको ये भी पता था कि जिस इंसान में ये चीज़ें ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी वो कत्लो गारत करने लग जाएगा, जिसमें ये पावरफुल हो जाएंगी वो दंगा फसाद मचाएगा, वो चोरी चकारी करेगा, वो करप्शन करेगा, वो डिसऑर्डर करेगा, वो झूठ बोलेगा, वो बद्यांती करेगा, वो तकब्बुर करेगा, वो देख रहे थे। वो सारा जो बोल रहे थे वो दरअसल सिर्फ एक व्यू था, माइक्रोस्कोपिक व्यू, वो अज्जा की खूबियों को और बुराइयों को देखकर बता रहे थे कि ये भी करेगा, ये भी करेगा। मतलब ये नहीं था कि हर इंसान ये करेगा, मतलब यह था कि इसी इंसान की नस्ल में ऐसा कुछ करने वाले भी होंगे। तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया कि जिन चीज़ों से मैंने इंसान बनाया उन चीज़ों से वो मलकूती दुनिया का फ़र्द तो नहीं बन सकता, तो खूबी क्या रखी? फरमाया वनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, ऐसे अज्जा के साथ बनाया जाने वाला पैकर वजूद, उसके अंदर अल्लाह पाक ने अपनी रूह फूंक दी, अपनी स्पिरिट फूंक दी। अपनी स्पिरिट जो फूंकी तो वो नूरुल अनवार थी, स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट, सबसे पावरफुल लाइट थी अमंग द लाइट्स,
वो सबसे ताकतवर नूर दाखिल कर दिया और मिर रूही अपनी बारगाह से ख़ास रूह फूंकी। तो देखिए जो जिस्म बनाया था उसमें तारीकी के गालिब हो जाने के इम्कानात ज़्यादा थे, मैलानात ज़्यादा थे तारीकी के, मगर उन तारीकी के मैलानात को मगलूब करने के लिए उसी पैकर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रूह फूंक दी। ये नहीं फरमाया कि उसके अंदर मैंने रूह फूंक दी, ना ये नहीं फरमाया कि मैंने उस बशरी पैकर के अंदर रूह फूंक दी, मैंने ब्लो कर दी जस्ट द स्पिरिट फ्रॉम हेवंस, स्पिरिट फ्रॉम हेवंस ब्लो कर दी, फूंक दी, नहीं ये नहीं फरमाया ना, फरमाया मिर रूही निस्बत अपनी बारगाह की तरफ की, अपनी बारगाह से रूह ख़ास फूंकी, यानी अपने नूर के फैज़ से उसके बातिन को रोशन कर दिया। तो जब अल्लाह पाक ने अपने नूर के फैज़ से रोशन कर दिया तो बंदा अब एक अजीब एक बन गया कंपाउंड, एक अजीब मुरक्कब बन गया कि ज़ाहिर उसका नासूती है और बातिन मलकूती है, ज़ाहिर उसका वर्ल्डली है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से बना हुआ है, और बातिन उसका हेवनली है, आलम मलकूत से है, आलम जबरूत से है। ज़ाहिर में तारीकी पैदा करने वाली चीज़ें मौजूद हैं, बातिन में नूर पैदा करने वाली सलाहियत मौजूद है, इनको जोड़ दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अब जब ऐसा कर दिया तो अब बातिन इस काबिल हो गया कि उस बातिन के साथ अल्लाह अपनी कुर्बत और अपनी दोस्ती पैदा करे। इंसान का बातिन ऐसा बना, अंदर रूह रख दी ना, पाकीज़ा रूह, और उसको फरमाया फिर वलकद खलकनल इंसान, जो सूरह काफ़ की मैंने आयत पढ़ी कि हमने इंसान को पैदा किया। अब कैसे पैदा किया उसका एक थोड़ा सा मैंने तज़िया कह लें किया है या तबसरा किया है या उसका एक पहलू, सिर्फ एक पहलू थोड़ा सा समझाया है ताकि बात को आगे जब मैं बढ़ाऊं तो आपके समझने के लिए एक बुनियाद बन गई हो। तो अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया, फरमाया इस तरह पैदा किया जिसका ज़ाहिर भी रखा और बातिन भी रखा, उसके अंदर तारीकी के पहलू भी रखे और रोशनी और नूर भी रखे, उसके अंदर पस्ती के रुझानात भी रखे, नीचे जाने के लोअर सेल्फ भी रखा, और उसके अंदर ऊपर जाने के मैलानात और उसकी सलाहियतें भी रखी। ये करके अब दो चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं, बड़ी तवज्जो तलब है। इस आया करीमा में फरमाया वना अलमु मा तो वसवसु बिही नफ्स, उसके अंदर नफ्स भी रखा और वो नफ्स जो रखा वो उसको वसवसे पैदा करता है, बैड थॉट्स देता है, उसके अंदर एक विशस थिंकिंग, बैड थिंकिंग, बुरे ख्यालात जन्म देता है, वसाविस जन्म देता है, बुरे ख्यालात, फजूर के, फिस्क के, गुनाह के, नाफरमानी के, अल्लाह पर ईमान कमज़ोर करने के ख्यालात उसके अंदर पैदा करता है नफ्स, और नफ्स की का अलायंस है बाहर शैतान के साथ, और इसी नफ्स का अलायंस है बाहर दुनिया के शहवात के साथ। तो नफ्स अलायंस में है शैतान के साथ और दुनिया के साथ। तो फरमाया वना अलमो, और हम जानते हैं मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, उन वसवसों को भी जानते हैं जो शैतान उस इंसान के दिलो दिमाग में डालता है, उसका नफ्स डालता है, और नफ्स का शैतान के साथ कोऑर्डिनेशन है, शैतान नफ्स के अंदर इल्हाम करता है, बुरे ख्यालात डालता है, नफ्स उन्हें अब्ज़ॉर्ब करता है, नफ्स खुद भी अगर शैतानी हो जाए तो बुरे ख्यालात को क्रिएट करता है, जन्म देता है, और वो उस इंसान के दिलो दिमाग में डालता है, उसको बहकाता है, वो नफ्स उस बंदे को अल्लाह से दूर ले जाना चाहता है, अल्लाह का नाफरमान बनाना चाहता है, अल्लाह पर ईमान को कमज़ोर करना चाहता है वो नफ्स, और वो करता है रात दिन, आप देखते हैं अल्लाह पर यकीन को कमज़ोर करता है, अल्लाह के रिज्क पर एतमाद को कम करता है,
अल्लाह के अम्र पर अकीदा मुतजलजल करता है, ये अच्छा नहीं हुआ मेरे हक़ में, ये अच्छा हुआ, मैंने क्या बुराई की थी, मेरे साथ क्यों जुल्म हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, ये जो मेरे साथ ये हो रहा है और मैंने क्या किया, ये मैं और मेरे के अंदर नफ्स बंदे को गुम करता है और अल्लाह के बारे में शिकवा पैदा करता है, शिकायत पैदा करता है, नाशुक्री पैदा करता है, एतिकाद कमज़ोर करता है, यकीन कमज़ोर करता है, तवक्कुल कमज़ोर करता है। और जब सारी चीज़ें अल्लाह के साथ तवक्कुल, ईमान, यकीन, शुक्र सब कमज़ोर होता है, भरोसा कमज़ोर होता है, तो अल्लाह की बंदगी कमज़ोर होती है। जब बंदगी में बंदा कमज़ोर होता है तो अल्लाह से दूरी होती है। तो फरमाया हमने इंसान को पैदा किया और उसके अंदर एक नफ्स रखा और नफ्स ये काम करता है, वस्फ़सा अंदाज़ी उसका मेन काम है, वस्फ से डालना। और वस्फ से क्या हैं, बुरे थॉट्स हैं, बुरे ख्यालात हैं, बुरे आइडियाज़ हैं, गलत थिंकिंग है, गलत ख्यालात डालता है। वो गलत ख्यालात अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, आखिरत के बारे में, दीन के बारे में, ईमान के बारे में, नेकी के बारे में, ऐसे ख्यालात डालता है जो बंदे को नेकी से दूर ले जाते हैं, अल्लाह से दूर करते हैं। तो फरमाया कि ऐसा नफ्स रख दिया उसके अंदर जो मुझसे दूर करता है। और फिर इस आयत करीमा के तीसरे हिस्से में आखिर में फरमाया मगर हमने उसको नफ्स के रहम व करम पे नहीं छोड़ दिया खाली, ऐसा नहीं छोड़ दिया कि नफ्स उसको बहकाता फिरे, फिसलाता फिरे, गुमराह करता फिरे और बंदा गुमराह ही होता रहे। नहीं, जहाँ नफ्स रखा है वहाँ दूसरी तरफ फरमाया व नहनो अक़रब इलैय मिन हब्लिल वरीद, और हम उधर नफ्स है उसको हमसे दूर ले जाने वाला, इधर हम खुद हैं उसकी शाहरख के भी करीब, मैं खुद उसके अंदर रहता हूं। फरमाया कि मैं खुद उसके अंदर रहता हूं, उसकी शाहरख के करीब रहता हूं। और वो कुर्ब कुर्ब रूही है, वो कुर्ब क्या है, कुर्ब रूही, यानी रूह के जरिए वो कुर्ब है, रूहानी कुर्ब है। नफ्स के असरात जिस्मानी असरात हैं, शैतानी असरात हैं, और अंदर जो रूह है उस रूह के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक रूहानी क़ुर्ब है। और फरमाया हम बंदे के करीब हैं और शहरक के भी करीब हैं। तो अल्लाह पाक यहाँ इंसान के अंदर दोनों कैफियतें रख दी हैं, दोनों हालतें रख दी हैं कि बंदा अगर नफ्स के सपुर्द हो जाए तो अल्लाह से दूर हो जाए, और बंदा अगर अल्लाह की फरमा बरदारी की तरफ आ जाए तो अल्लाह के करीब हो जाए। मगर नफ्स क्या करता है कि नफ्स बंदे के शऊर को बेदार नहीं होने देता, नफ्स बंदे को ये ख्याल बंदे के अंदर पैदा नहीं होने देता कि अल्लाह मेरे करीब है, अल्लाह की कुर्बत का एहसास नहीं होने देता नफ्स, अल्लाह के करीब होने का शऊर बेदार नहीं होने देता। है वो करीब मगर पता नहीं चलता। अब आप बैठे हैं, आप ख़ुद सोचें, वो करीब है और शहरक से भी करीब है, मगर कितने वो हैं जिन्हें उसके करीब होने का शऊर है, उन्हें अल्लाह के करीब होने का इदराक है, नहीं है। नफ्स रुकावट बनता है, वो पर्दे डालता है। आगे चल के मैं कहूँगा उसने बहुत सारी लेयर्स डाली हुई हैं, तह मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो बंदे को अल्लाह से दूर करने का सबब बनती हैं। और अल्लाह की कुर्बत का जो एहसास है, इदराक है, शऊर है, उससे बंदे को महरूम करती हैं, दूर करती हैं। अगर वो अल्लाह के करीब होने का शऊर हो जाए तो बंदा अपने हाल से बदल जाएगा। अब इधर अल्लाह पाक चुके बंदे के करीब है, और करीब को वली कहते हैं और वली को करीब कहते हैं, इसलिए उधर फरमाया कि मैं करीब हूँ, इन्नी करीब, और फरमाया अक़रबु इलैय मिन हब्लिल वरीद, कितना करीब, शाहरग से भी करीब, फरमाया मैं तेरे करीब हूँ, और दूसरी जगह फरमाया मैं तेरा वली हूँ, ए मर्द मोमिन मैं तेरा वली हूँ। तो ये है यक तरफा ताल्लुक़।
अल्लाह हमारे करीब है, अल्लाह हमारा वली है। वली है किस माना में कि वो हमारे बहुत करीब है, और जो बहुत करीब होता है उसको वली कहते हैं, वो बहुत करीब है। मगर खराबी कहाँ है? खराबी यहाँ पर है कि वो तो हमारे करीब है मगर हम उसके करीब नहीं हैं। वो हमारे करीब है मगर हम उसके करीब नहीं। अल्लाह हमारे करीब है इसलिए अल्लाह मोमिनों का वली है, और जो मोमिन उन पर्दों को हटाकर दूरियों को ख़त्म करके बंदा मोमिन अल्लाह के करीब हो जाए तो अल्लाह तो बंदे के करीब है इसलिए अल्लाह बंदे का वली है। लेकिन अगर बंदा अल्लाह के करीब हो जाए तो उसको वलीउल्लाह कहते हैं। फ़र्क इतना है, बात को समझें, अल्लाह हर एक का वली है मगर हर कोई अल्लाह का वली नहीं है। बस ये बात है, अल्लाह हर एक का वली है। मैं ये जुमला दोहराएं आप और आंखें बंद करके दोहराएं, और इस जुमले की जो आवाज़ है उसको अपने दिल के कानों को सुनाएं, रूह के कानों को सुनाएं, अंदर उतारें। अल्लाह हर एक का वली है, आप में से, हम में से हर एक का वली है। बोलिए, अल्लाह हम में से हर एक का वली है मगर हर कोई अल्लाह का वली नहीं। क्यों नहीं? कि ये इदराक ही नहीं है कि अल्लाह मेरे करीब है, ये इदराक ही नहीं है, शऊर ही नहीं है कि अल्लाह मेरा वली है। जिस वक्त बंदे को ये इदराक मिल जाता है और बंदे का ये शऊर बेदार हो जाता है कि अल्लाह मेरा वली है और अल्लाह मेरे करीब है, जब ये शऊर बेदार हो जाता है कि अल्लाह मेरे करीब है और मेरी शाहरख से भी ज़्यादा करीब है, तो देखिए फिर जब ये ख्याल हो जाए कि मेरे करीब है अल्लाह और नफ्स की कुर्बत से भी ज़्यादा अल्लाह की कुर्बत है, तो आप ये देखिए जब ये ख्याल आपके अंदर जम जाए, मसलन एक बच्चा लें, उसको पता हो कि मेरे माँ बाप मेरे करीब हैं, और करीब होने का माना क्या होता है? जो करीब होता है वो देखता है, जो करीब होता है वो सुनता है, जो करीब होता है वो देखता भी है वो सुनता भी है। इसलिए बार बार फरमाता इन्नहु हुवस्समीउल बसीर वकान अल्लाह समीयम बसीरा, बार बार फरमाता है अल्लाह सुनता भी है देखता भी है, अल्लाह सुनता भी है देखता भी है, वही सुनने वाला भी है देखने वाला भी है। ये सारे जो अलग अलग जुमले हैं ये दरअसल इनकी रूह एक है। कभी वो कहता है मैं तुम्हारा वली हूँ, और वली मददगार को भी कहते हैं, मददगार वही होता है जो करीब हो, जो दूर बैठा है वो आपकी क्या मदद करेगा। अब कुर्ब अलग चीज़ है, कुर्ब हिस्सी है या कुर्ब मानवी है, वजूदी कुर्ब भी है, रूही कुर्ब भी है, जिस्मानी कुर्ब भी है, रूहानी कुर्ब भी है। हमारी कुर्बतें आपस में रूहानी भी होती हैं, जिस्मानी भी होती हैं, इसी तरह बोध भी जिस्मानी भी होता है दूरी और रूहानी दूरी भी होती है। अल्लाह पाक रूहानी दूरी से बचाए हम सबको, रूहानी दूरी से महफूज रखे। अगर रूहानी दूरी ना हो, मानवी रूहानी कुर्ब हो, तो जिस्मानी तौर पे दूर हो के भी बंदा करीब रहता है। अगर एक बच्चे को मालूम हो कि मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ, मेरा बाप मुझे देख रहा है, तो बच्चा नोटी नहीं होगा, बच्चा शरारत नहीं करेगा, शोर शराबा नहीं करेगा, उसको पता है कि मेरी माँ देख रही है मुझे, मेरा बाप देख रहा है। तो अब ये जो कुर्बत का एहसास है उसमें देखना और सुनना आ जाता है। ऊंची आवाज़ से शोर शराबा हंगामा आराई नहीं करेगा, उसे पता है कि साथ ही मेरी माँ या मेरा बाप सुन रहा है। शागिर्द को एहसास हो कि मेरा उस्ताद मेरे करीब है, और करीब का माना है कि मुझे सुन भी रहा है और मुझे देख भी रहा है। तो आपस में 100 दंगा फसाद और तमाशा करने वाले तलबा या स्टूडेंट्स, वो उस्ताद के करीब होने का और सुनने और देखने वाले होने का एहसास जब हो जाएगा, फिर वो शरारत नहीं करेगा, वो शरारत नहीं करेगा।
اسی طرح کسی کو پتہ ہو کہ میرا بزرگ میرے قریب ہے، میرا شیخ میرے قریب ہے، شیخ قریب ہے، اس شعور کے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اس کا شعور ایکچوئل شعور ہو، اس کو ڈیفینیٹلی پتہ ہو یقینی طور پہ کہ میری ماں میرے قریب ہے، میرا باپ میرے قریب ہے، میرا بزرگ میرے قریب ہے، میرا استاد میرے قریب ہے، میرا شیخ میرے قریب ہے. اور قریب ہونے کے معنی میں یہ شامل ہے کہ میری باتوں کو سن بھی رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرے ایکشنز کو، میرے عمل کو دیکھ بھی رہا ہے. تو جب یہ احساس قوی ہوتا ہے، کوئی شرارت نہیں کرتا، برا کام نہیں کرتا، چونکہ اس کے ساتھ پھر خوف بھی ہو جاتا ہے، اس قربت کے ساتھ پھر خوف ہو جاتا ہے. اس قربت کے احساس سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس قربت کے احساس سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور اس قربت کے احساس میں تقویٰ صرف خوف نہیں ہوتا، اس میں محبت بھی ہوتی ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میری ماں میرے پاس بیٹھی ہے، مجھے بچا لے گی، میرا باپ میرے پاس ہے، مجھے بچا لے گا، میرا استاد میرے پاس ہے، مجھے بچا لے گا، میرا بڑا بھائی جان میرے پاس ہے، مجھے بچا لے گا، ایک پاورفل میرا بڑا بیٹھا ہے، میری حفاظت کر لے گا. تو قریب ہونے میں جہاں بندہ اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے کہ مجھے سزا دیں گے، وہاں بندے کو ایک احساس تحفظ کا حوصلہ بھی ہوتا ہے، کانفیڈنس بھی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، بچا لے گا. یعنی اب بندہ جب یہ احساس کسی کے قریب ہونے کا پیدا کر لے تو اسے خوف بھی آتا ہے اور اسے اس کی شفقت اور محبت کا یقین بھی آتا ہے. تو خوف و رجا کی کیفیت اس قربت کے احساس میں پیدا ہو جاتی ہے، امید بھی لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا تو میرا بڑا مجھے بچا لے گا، اور اگر میں نے کوئی شرارت کی تو میرا بڑا برا منائے گا. تو ایک خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے. یہ خوف و رجا اگر مل جائیں تو اس احساس کو ایمان کہتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے، اس احساس سے قربت سے جنم لیتا ہے. خوف و رجا بھی قربت سے جنم لے رہی ہے، احساس قربت سے. تو جب قربت کا احساس ہر ایک کے بارے میں بندے کو برائی سے بھی بچاتا ہے اور حوصلہ بھی دیتا ہے، تو دیکھیے جو آپ کو برائی سے بچائے اور جو آپ کو نقصان سے بچائے اور حوصلہ دے، آپ صاف ظاہر ہے اس سے پیار کرتے ہیں، محبت ہوتی ہے، پھر آپ اس کے قریب اور قریب ہوتے ہیں. تو جب ہر کسی کی قربت آپ کو یہ فائدہ دیتی ہے، تو اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس بندے کا حال کیا ہوگا جس بندے کو بچے کی طرح، بچے معصوم چھوٹے سے بچے کی طرح، جس کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ میرا مولا میرے قریب ہے، میرا اللہ میرے قریب ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری ہر بات کو سن رہا ہے. اور پھر جب اللہ قریب ہے تو خالی وہ سنتا اور دیکھتا نہیں، جو خیالات دل میں جنم لیتے ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، اور جو خیالات ذہن میں آتے ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، جو خواہشات آتی ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، جو شرارت باہر ہوتی ہے صرف اس کو نہیں دیکھتا، جو شرارت من کے اندر، نفس کے اندر چلتی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. تو اندازہ کریں اس بندے کا حال، جو اس بچے کی طرح اس کامل یقین کے ساتھ ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ہے، میری ماں میرے پاس ہے. تو آپ چھوٹا سا بچہ لینا، دو سال کا، چھ ماہ کا، سال کا، دو سال کا، چھوٹی عمر کا ایک بچہ لیں، اور اس کا پھر یہ ماں کی قربت، ہم ممتا کی طرف آ گئے نا، یعنی باپ سے بھی بڑھ کر ماں کی ممتا کے ساتھ ایک قربت ہوتی ہے. اس لیے بچے ماما 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 کہتے ہیں ہر وقت، ممتا. وہ کیا ہے؟ اس میں زیادہ اسٹرانگ قربت ہے، زیادہ اسٹرانگ قربت ہے. جس طرح چھوٹا سا بچہ، آپ اندازہ کریں اس کو بھوک لگے تو ماں کو پکارتا ہے، یہ اس کا تعلق ہے اس کی قربت کے احساس کی وجہ سے. تکلیف ہو تو ماں کو پکارتا ہے، کوئی چیز لینی ہو ماں کو پکارتا ہے، ضرورت ہو کسی چیز کی ماں کو پکارتا ہے، پریشانی ہو ماں کو پکارتا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہو ماں کو پکارتا ہے، ہر حال میں ماں کے قریب رہتا ہے، جڑتا ہے ماں کے ساتھ، چونکہ اسے پتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر میرے قریب کوئی نہیں، سو وہ ماں کے قریب جاتا ہے.
आप एक तिफल, एक बच्चे के हाल को अपनी आंखों के सामने रखें और रख कर अब बंदे की तरफ आ जाएं। बंदा, वो बंदा वली बनता है जो अल्लाह से उस तरह का ताल्लुक रखे जो छोटा बच्चा माँ से ताल्लुक रखता है, तो उस बंदे को वली कहते हैं। छोटा बच्चा, छोटा मासूम बच्चा जो ताल्लुक अपनी माँ से रखता है, जो भरोसा माँ पे करता है, माँ डांट भी दे तो आप देखें, आप भी डांटें और उसी बच्चे को उसी तरह की डांट उसकी माँ भी पिला दे। आपकी डांट को बच्चा बुरा मनाएगा, माँ की डांट को बुरा नहीं मना। ये रही का मतलब, बासी साहब बैठे हैं, ये भी डांट के देख लें अपने बेटों को, और इनकी अहलिया भी, उनकी माँ भी डांट के देखे। माँ की डांट इतनी बुरी नहीं लगेगी, बाप की डांट से बच्चा सहम जाता है। तो मैं जो नुक्ता बता रहा हूँ वो ये कि और की डांट बच्चा गवारा नहीं करता। क्यों? ये कुर्बत का फुकदान है। कुर्बत हिस्सी एहसासात की कुर्बत है, जज्बात की कुर्बत है, तसव्वुरात की कुर्बत है, तखय्युलात की कुर्बत है, दिलो रूह की कुर्बत है, उसकी मदद व नुसरत की कुर्बत है, उसके प्यार की कुर्बत है, माँ की हिफाजत की कुर्बत है। चूँकि उसको पता है कि सारी रात अगर मुझे तकलीफ़ हो तो माँ जागती है, माँ मेरे आराम पे अपना आराम कुर्बान करती है, मेरे खिलाने के लिए अपना खाना कुर्बान करती है, मेरे पेशाब पर अपने कपड़े कुर्बान करती है, मेरी तकलीफ़ पर अपनी जान कुर्बान करती है। ये जो कुर्बानी देती है सारी ज़िंदगी माँ औलाद के लिए, ये कुर्बानी एक कुर्बत की शक्ल में बच्चे के दिलो दिमाग में रासिख हो जाती है। उसकी ये कुर्बानी रासिख हो जाती है, वो उस कुर्बानी के आईने में माँ को देखता है, करीब देखता है, उस पे भरोसा करता है, डिपेंड करता है। अब इस बच्चे के हाल को मुंतकिल कर दें, उस बंदे का हाल क्या होगा जो अपने मौला के हुजूर दूध पीते बच्चे की तरह हो जाए, जिसका ताल्लुक अपने अल्लाह के साथ उस बच्चे की तरह हो जाए कि अगर उसे तकलीफ हो तब भी अल्लाह को पुकारे, राहत हो तब भी अल्लाह को पुकारे, तकलीफ हो तो सब्र की आवाज में पुकारे, वाह वाह सुभान, तकलीफ हो तो सब्र की बोली जुबान बन जाए, सब्र में पुकारे, अगर राहत हो तो शुक्र की आवाज़ बन जाए, शुक्र में पुकारे, हाजत हो तब भी अल्लाह को पुकारे, गिना हो तब भी अल्लाह को पुकारे, तनहा हो तब भी अल्लाह को पुकारे, जलवत हो तब भी अल्लाह को पुकारे। तो जब एक बंदा उसके अंदर ये शऊर के मौला मेरे करीब, नहनु अक़रबु इलैह और इन्नी करीब, जब ये आवाज़ उसे सुनाई देने लग जाए, अब हमारा आलमिया यह है कि आवाज़ आ रही है, इन्नी करीब, मैं बहुत ही करीब हूँ, आवाज़ आ रही है मगर हमारे कानों को सुनाई नहीं दे रही। चूँकि सुनाई नहीं दे रही इसलिए समझ नहीं आ रहा कि कौन हमारे इतना करीब है। आवाज़ आ रही है नहनु अक़रबु इलैह मिन हब्लिल वरीद, मगर इसका एहसास नहीं हो रहा, शऊर नहीं हो रहा। जब ये शऊर बेदार हो जाए और एहसास हो जाए और आवाज़ कुर्बत की सुनाई देने लगे और कुर्ब के एहसासात होने लगें, कुर्ब महसूस होने लगे, कुर्ब भाई जैसे आप खाना खाते हैं तो उसकी लज्जत एक जायका महसूस होता है ना, एक जायका महसूस होता है ना, जायका जब आप किसी बाग में जाते हैं और ख़ूबसूरत फल और फूल और मंज़र देखते हैं और उसकी जो कैफियत पैदा होती है दिलो दिमाग पे, एक महसूस होता है ना एक फ्रेशनेस। जब आप आबशारों को देखते हैं और उसके जो मनाज़र हैं, बहते हुए दरियाओं को देखते हैं, ज़मीनी ख़ूबसूरती को देखते हैं, तो उस मंज़र का एक एहसास जन्म लेता है ना आपको, एक कैफियत पैदा होती है, तो आप सारी चीज़ें महसूस करते हैं। इस तरह ये तो महसूसात हैं मादी, इस तरह गैर महसूसात की एक दुनिया है, तसव्वुरात की भी लज्जत आती है आपको। कभी आप तसव्वुर करते हैं किसी पुराने गुजरे हुए बड़े प्यारे लम्हे का, उस लम्हे को याद करके भी एक लज्जत लेते हैं। कभी अल्लाह का जिक्र सुन के कोई खूबसूरत नात सुनते हैं, उस आवाज़ से लज्जत लेते हैं। कभी खुशबू से एक लज्जत आती है आपको, उसकी खुशबू से महक आती है। अलगरज जिस तरह आप फील करते हैं, जब बंदा अपनी रूह की आंखों के साथ, रूह के कानों के साथ और कल्ब और रूह के साथ ये महसूस करने लगे कि मौला मेरे करीब है और वो मुझे बचाने वाला है
और वो मेरी हिफाजत करने वाला है, और वो मेरी हाजत रवाई करने वाला है, और वो मुझे तारीकी से युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमात, तारीकी से निकालने वाला है, वो मुझे नूर की तरफ ले जाने वाला है, वो मुझे बुलंद व बरतर करने वाला है, वो हर हाल में मुझे संभालने वाला है, और चलते 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 वो मेरे साथ ये कर्म करने वाला है, ये फजल देने वाला है, ये अजर देने वाला है, और चलते चलते यहाँ तक सोचे जा पहुँचे कि एक दिन वो आएगा कि पर्दा उठा के मुझे अपना हुस्न दिखाने वाला है। तो जब बंदा इन तसव्वुरात में गुम होता है उसको करीब जानकर, तो बंदा उस बच्चे से कहीं ज़्यादा जो अपनी माँ के साथ लिपटता है वो बंदा अपने मौला के साथ लिपट जाता है। जब बंदा अपने अल्लाह के साथ इस तरह करीब हो जाता है उसको अल्लाह का वली कहते हैं, उसको वलीउल्लाह कहते हैं। अल्लाह तो मोमिन के करीब था ही, अल्लाह तो वली था, बंदा वली नहीं बना था। तो जब बंदे को कुर्बत का यह एहसास पैदा हो जाए और वो उसको करीब समझने लगे, तो जब वो समझे कि करीब है तो वो मुझे देख रहा है तो नाफरमानी नहीं करेगा, वो करीब है तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलेगा जो वो नापसंद करे, वो करीब है वो ऐसा अमल नहीं करेगा जो अल्लाह को नागवार हो, नापसंद हो, वो करीब है वो ऐसी नीयत नहीं करेगा जो अल्लाह को पसंद ना हो, वो करीब है जो किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा कि अल्लाह नाराज़ हो जाए, वो करीब है वो ऐसा अमल नहीं करेगा कि वो उठा के आग में फेंक दे, और वो करीब है सो वही रिस्क देगा, वही कर्म करेगा, वही शिफा देगा, वही खैर करेगा, वही संभाल लेगा। तो भरोसा तवक्कुल भी उसी पर कायम होता है, रहमत भी उसने की तो शुक्र भी उसी के साथ जुड़ता है, तकलीफ़ उसकी तरफ से आई है, डांट आई है उसकी तकलीफ़ डांट को कहते हैं। ये जो तकलीफ़ें आती हैं ना, ये माँ की डांट है। जैसे माँ की डांट होती है, बच्चे को तकलीफ़ लगती है वो एक लम्हे के लिए रोता है मगर माँ से बदज़न नहीं होता, वो रोता है मगर माँ से बदज़न नहीं होता कि उसकी डांट भी प्यार के खमीर से निकली है। तो जो बंदा अल्लाह के साथ बच्चे की तरह वो ताल्लुक़ कायम कर ले तो फिर अल्लाह की तरफ से ये डांट डपट भी आए ना, तकलीफ़ें मसायब व आलाम, तो बंदा शिकवा नहीं करता, उसकी तरफ से आई हैं, मुझे दुरुस्त करने के लिए आई होंगी, मेरी खैर के लिए आई होंगी। तो जब बंदा मिन कुल्लिल वुजूह अल्लाह के करीब हो जाए, और करीब इस माना में हो जाए, तो बंदा वलीउल्लाह हो जाता है, अल्लाह का वली हो जाता है। अब ये जो कुर्बत है जिसके एहसास से हम महरूम हैं और हम अल्लाह के न करीब हो रहे हैं और न उसकी दोस्ती और विलायत से हम बहरायाब हो रहे हैं, जबकि उसकी तरफ से दोस्ती और विलायत और कुर्बत कायम है मगर हम दूर हैं। ये दूर क्यों हैं, ये दूर क्यों हैं? इसका सबब यह है कि नफ्स ने हमारे अंदर मुख्तलिफ अल्लाह से दूरी के असबाब पैदा कर रखे हैं। नफ्स ने ऐसी तहें हमारे अंदर पैदा कर दी हैं, ऐसी लेयर्स पैदा कर दी हैं जो सबब बनती हैं हमारे उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत के शऊर को दबाने का, उस शऊर को दबा देती हैं। शऊर कुर्बत है अल्लाह की और वो उन तहों में जमी हुई है नीचे, वो कुर्बत अल्लाह की कुर्बत एक अजीम ख़जाना है, रूहानी ख़जाना है। और याद रख लें, ख़जाना ज़मीन पर नंगा कभी कोई नहीं रखता, ख़जाना ज़मीन की दबीस तहों के अंदर छुपा हुआ होता है। आप देखते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में तेल बरामद होते हैं, समंदरों में हो या सहराओं में हो या पहाड़ों में हो, तो कई कई हज़ार फीट नीचे खुदाई करते हैं। ये अलग बात कि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, मगर जिसको भी मिलता है वो खुदाई से मिलता है, जिसको भी मिलता है खुदाई से मिलता है। और खुदाई करनी पड़ती है, ढिटाई से नहीं मिलता, ढिटाई से नहीं मिलता, खुदाई से मिलता है। खजाने नंगे कोई नहीं छोड़ता, सोना चांदी जवाहर हीरे जवाहरात पैसा करेंसी कोई नंगा नहीं छोड़ता, हर कोई खजानों में छुपा के रखता है।
تو اللہ کی قربت سے بڑا خزانہ کیا ہوگا، اللہ کی ولایت سے بڑا خزانہ کیا ہوگا؟ اس لیے انسان، اس نے تیری زندگی میں اپنی ولایت اور قربت کا خزانہ ننگا نہیں رکھا، دبیس تہوں کے نیچے چھپا کے رکھا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے جس کو میری قربت کا خزانہ چاہیے وہ کھدائی کرے۔ کھدائی کو ریاضت اور مجاہدہ کہتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ راہ چلتے مل جائے اور زمین پر پڑا ننگا خزانہ مل جائے، ایسے تو تیل نہیں ملتا، اللہ کی قربت کا خزانہ کیسے ملے گا؟ سونا چاندی جو مختلف آپ کو جواہرات ملتے ہیں یا معادن ملتے ہیں، منرلز ملتے ہیں، سب زیر زمین بہت تہ میں جا کے ملتے۔ کوئلہ نہیں ملتا آپ کو، کوئلے جیسی چیز بھی ننگی زمین پہ نہیں ملتی، اس کے لیے بھی کانیں کھودنی پڑتی ہیں۔ سیمنٹ، اس کو بھی کانیں کھود کے ملتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خزانہ اعلیٰ ہو یا عمدہ ہو یا ہلکا ہو، خزانہ جو بھی ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے کئی دبیز تہوں کے نیچے، اس کے لیے کھدائی کرتے ہیں تب وہ اس تک رسائی ہوتی ہے، کھدائی کے بعد ہی خزانے تک رسائی ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کی قربت کا خزانہ ہے، اللہ کی معرفت کا خزانہ ہے، اللہ کی ولایت کا خزانہ ہے۔ یہ کیسے ننگا مل جائے گا؟ اس تک رسائی کیسے ہوگی بغیر کھدائی کے؟ سو اس کی کھدائی ہے، اس کھدائی کو مجاہدہ اور ریاضت کہتے ہیں۔ کھدائی کس چیز کی کرنی ہے؟ وہ تہیں ہیں، وہ غفلت کی تہیں جو اللہ سے دور کرنے والی، اللہ کے قربت کے شعور کو دبا دینے والی، اللہ کے قربت کے شعور کو ختم کر دینے والی، وہ تہیں، ان کو ریاضت کے ذریعے ختم کرنا ہے، مجاہدے کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ ان تہوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ یہ میں آج کی جو گفتگو ہے یہ تمہید ہو رہی ہے بدایت الہدایہ کی، کہ ہم اس میں کیسے داخل ہوں۔ امام غزالی نے جو سبق شروع کیا اس میں داخل ہونے کے لیے میں نے آج کی گفتگو میں فاؤنڈیشن بنائی ہے۔ آپ سمجھیں کہ بڑوں کی بات جو ہے وہ حویلی ہے، ہم اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں امام غزالی کی بات میں، پھر اس سے بڑی حویلی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے گی۔ اس میں داخل ہونے سے پہلے پہلے کسی گلی میں سے بھی تو گزرنا ہوتا ہے نا باہر، تو کوئی سی گلی سے گزریں گے تو آپ کو دروازے پر لے جائے گی، دروازہ کھلے گا تو آپ اندر انٹر ہوں گے۔ وہ بڑوں کے گھر میں اندر انٹر ہونے کے لیے یہ ایک گلی سے گزار رہا ہوں آپ کو، ہماری باتیں بس گلی کوچا اور گلی ہے، تاکہ دروازے تک جائیں اور بدایت الہدایہ، پھر ہدایت کا دروازہ کھلے، کیسے انٹر ہونا ہے بس اس انٹری کا طریقہ سکھا بتا رہا ہوں، کل انشاءاللہ اس میں انٹر ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان تہوں کا ذکر کر دیا ہے، لیئرز کا، جو جمی ہوئی ہیں، جس کے نیچے اللہ کی قربت اور ولایت اور معرفت کا خزانہ پڑا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زینا للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے کچھ خواہشات ہیں، ان خواہشات کی محبت کو، تین لفظوں پر زور دوں گا، وہ بڑی توجہ سے سنیں، کچھ خواہشات ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، تین لفظ ہیں۔ یہ مضمون اتفاق ہے اس طریقے سے جو ابھی جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ پہلے کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی بیان کیا ہو اس انداز کے ساتھ، تو توجہ سے آپ اس کو اندر اتار لیں۔ میں تین لفظوں پہ ایمفسائز کر رہا ہوں، زینا، دوسرا حب، تیسرا الشہوات۔ فرمایا کچھ خواہش شہوات ہیں، اس کو کہتے ہیں خواہشات، ان شہوتوں کی محبت تمہارے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ وہ شہوتیں کیا ہیں؟ من الذهب والفضه، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، یہ اشارہ کافی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، اس کا اشارہ ہے مال و دولت کی طرف، مال اور دولت، سونا چاندی سمبولک ورڈز ہو گئے۔ والخیل المسومہ، اور نشان کیے ہوئے مارکڈ ہارس، گھوڑے، اس کا اشارہ ہے طاقت کی طرف، حکومت، سلطنت اور طاقت۔ گویا سونا چاندی مال و دولت کی خواہش، مال و دولت کی خواہش، دوسرا
گھوڑے یعنی طاقت، حکومت اور سلطنت، عہدہ، منصب، پاورفل ہونا، پاور کی کسی سطح کی بھی پاور ہو، اس کی خواہش. ابھی لفظ خواہش ذہن میں رکھیں، پہلے مرحلے پر یہ بتا رہا ہوں. پھر والانعام، پھر مویشی، یہ لائف سٹاکس، یہ معیشت کی طرف اشارہ ہے، معیشت کے کئی ذرائع. اور والحرس، یہ زراعت کی طرف اشارہ ہے، کھیتی باڑی، فارمنگ، ایگریکلچر، یہ سارے ذرائع معیشت. اور مال و دولت، اور پھر مال و دولت کمانے کے ذریعے سلطنت، اور مال اور سلطنت کو حاصل کرنے کے مختلف ذرائع، اموال کے ذرائع معیشت، ذرائع اموال، وسائل دولت، وسائل سلطنت، یہ ساری چیزیں یہ انسانی زندگی میں، خواہ وہ چھوٹے درجے کا، خواہ وہ کسی چھوٹے درجے کا کوئی عہدہ اور منصب ہے، افسر بننا ہے، اس سے بڑا افسر ہے، کوئی پراپرٹی ڈیلر بننا ہے، اور کوئی بڑا شہر کا سب سے بڑا پراپرٹی ڈیلر بننا ہے، سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بننا ہے، کوئی بڑا طاقتور پوری دنیا میں کوئی ٹریڈر بننا ہے، کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ بننا ہے، کوئی بہت بڑا ایگریکلچرسٹ بننا ہے، جاگیردار بننا ہے، یعنی مختلف صورتیں. طاقت رکھنی ہے، مال رکھنا ہے، دنیا پر روب قائم ہو، دبدبا قائم ہو، عزت ہو، ہر کوئی آپ کے سامنے جھکیں، تم بڑے کہلاؤ، فرعون بھی کہلاؤ، قارون بھی کہلاؤ، یہ ساری چیزیں چھوٹے درجے کی بھی ہیں، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اتنے درجے کی بھی خواہش کرتا ہے، بڑے درجے کی بھی ہیں. فرمایا یہ ساری خواہشات ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان، ساز و سامان ہے. یہ ساری خواہشات ہیں، ان کو فرمایا الشہوات، ان کو شہوات کا نام دیا. اب شہوات سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا، حب الشہوات، ان شہوتوں، شہوت کا معنی ہے خواہش، ذہن میں رکھ. شہوت کا کیا معنی ہے؟ کوئی بھی خواہش. یہ جو شہوتیں ہیں، رغبتیں، یہ رغبتیں ہیں، شہوات ایسی خواہش ہے، ذہن میں رکھ لیں، جو دل سے چمٹ جائے، جو دل سے چمٹ جائے، دل کو اپنے گھیرے میں لے لے، تو یہ رغبت ہو جاتی ہے، طلب بن جائے، زندگی کی طلب بن جائے، ایسی خواہش جو زندگی کی طلب بن جائے، ڈیمانڈ بن جائے، پیشن بن جائے، اسٹرانگ ڈیزائر بن جائے، جو آپ کے دل کو قابو کر لے. تو خواہش اگر اس درجے پہ ہو تو اس کو شہوت کہتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں، یہ شہوت جنم کہاں سے لیتی ہے؟ یہ خواہش جو طلب ہے، رغبت ہے، یہ جنم لیتی ہے عام خواہش سے. کسی چیز کو دیکھا، کسی بڑے گھر کو دیکھا، کوئی کوٹھی دیکھی، بڑی کار دیکھی، کسی پاورفل شخص کو دیکھا، کسی کا عہدہ دیکھا، منصب دیکھا، کسی کی پرسکون زندگی دیکھی، عیاشی دیکھی، طاقت دیکھی، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، ماحول، منظر، زندگی کا دیکھا، تو خواہش آئی، ایک خواہش پیدا ہوتی. اگر وہ محض خواہش خیال تک رہے، وہ خواہش صرف ایک خیال تک رہے، ایک تھاٹ رہے، ایک آئیڈیا رہے، محض ڈیزائر، جسٹ ڈیزائر رہے، تو اس کو کہتے ہیں الہوا، ہوا کہتے ہیں عربی میں ہوا، اور ہوا کی کا معنی ہے، الہوا کا، میل النفس الی الشہوہ، ہوا اس خواہش کو کہتے ہیں جو بندے کے اندر شہوت کا میلان پیدا کرے. یعنی ہوا اس ڈیزائر، اس خواہش کو کہتے ہیں جو دل پہ قابو پا لینے کا پوٹینشل رکھتی ہو، دل پر غلبہ پا لینے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس کے اندر میلان اور رجحان ہو دل پر چھا جانے کا، دل کو اپنے کنٹرول میں لے لینے کا. جو خواہش یہ میلان اور رجحان رکھے شہوت کا، اس کو ہوا کہتے ہیں. گویا جو ہوا ہے یہ شہوت کا مصدر ہے، شہوت ہوا میں سے جنم لیتی ہے، اور ہوا کا مطلب ہے عام خواہش. عام خواہش ہر ایک کو پیدا ہوتی، کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو خواہش سے پاک ہو. اور ذہن میں رکھ لیں، محض خواہش رکھنا یا خواہش کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں، اگر اچھائی کی خواہش، اگر خواہش
अच्छाई की है, पॉजिटिव डिज़ायर है, इट इज़ फॉर ए गुड, अच्छाई के लिए, फॉर गुडनेस, इसमें कोई बुराई नहीं। इंसान है तो ख्वाहिश भी है, ख्वाहिशात होती हैं, इसलिए ख्वाहिश को अल्लाह पाक ने बुरा नहीं कहा। और उसकी वजाहत कर दी है कि ख्वाहिश हवा उसको कहते हैं कि जिसके अंदर ये पोटेंशियल है, सलाहियत है, वो मैलान रखती है, इंक्लिनेशन रखती है इस चीज़ की तरफ, इंक्लिनेशन कि वो दिल पर छा जाएगी। जब वो ख्वाहिश दिल पर छा जाती है वहाँ से बुराई शुरू होती है, वहाँ से बंदा फिसलने लगता है, वहाँ से बंदा डगमगाने लगता है। जब ख्वाहिश थी उस वक्त तक बंदा उसको अपना भी सकता था, उसको छोड़ भी सकता था, उसको बढ़ा भी सकता था, उसको फेंक भी सकता था। मैं इसको एक और लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा आसान हो जाएगा। अगर बंदा ताकतवर हो तो वो ख्वाहिश है। ख्वाहिश एक ऐसी आरजू, एक ऐसा ख्याल, एक ऐसा ख्याल है, एक ऐसी थॉट है कि जिस पर बंदे का काबू है, बंदे का कंट्रोल है उस पर, कि उसके लिए स्ट्रगल करे, अचीव कर ले, छोड़ना चाहे छोड़ भी दे, बॉदर न करे। तो अगर ख्वाहिश बंदे पर गालिब न हो तो फिर हवा है, और अगर ख्वाहिश बंदे पर गालिब हो जाए, बंदा मغلوب हो जाए, तो वो शहवत है। बंदा ताकतवर रहे तो वो हवा है, बंदा कमज़ोर हो जाए हवा ख्वाहिश के मुकाबले में तो समझे ख्वाहिश बढ़कर शहवत बन गई है, शहवत बन गई है, यानी अब उसके दिल में रग़बत आ गई है, दिल इन्वॉल्व हो गया है अब, और हमा वक्त दिल उसको सोचने लगा है, उसकी चाहत की तरफ चला गया, और दिल अब उसको पाकर ही आराम पाएगा। वो चीज़ नहीं मिलेगी तो दिल बेआराम होगा। अगर वो ख्वाहिश इस दर्जे तक चली जाए और दिल को बेचैन कर ले, और दिल की बेचैनी के साथ जुड़ जाए, या दिल के सुकून के साथ जुड़ जाए, बेसकूनी के साथ जुड़ जाए, तो दिल पर काबू पा ले, तो हवा अपने दर्जे से बढ़कर शहवत बन गई। अच्छा, मुतलकन शहवत को भी अल्लाह पाक ने मुतलकन बुरा नहीं कहा, यहां तक भी, क्योंकि यहां तक बंदे के इख्तियार में है कि रियाजत करे उसे कमजोर कर दे, रियाजत करे उस पर कंट्रोल पा ले, रियाजत करे उस पर काबू पा ले। डिपेंड करता है कि बंदे का शऊर किस वक्त बेदार हुआ, यह ख्याल कब आया कि मैं मغلوب होता जा रहा हूं, मैं कमजोर होता जा रहा हूं, मैं अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होता जा रहा हूं, मेरी ख्वाहिश मेरे ऊपर सवार होती जा रही है। बस ये वो लेवल है जहां बंदे ने हद कायम करनी है कि बंदा ख्वाहिश पर सवार है या ख्वाहिश बंदे पर सवार है। अगर ख्वाहिश बंदे पर सवार हो जाए तो ये शहवत है, और अगर बंदा ख्वाहिश पर सवार है तो ये हवा है, और अगर ख्वाहिश बंदे पर सवार हो जाए, शहवत है, तो वो अच्छी चीज़ की भी हो सकती है और बुरी चीज़ की भी हो सकती है। बुरी चीज़ की हो गई तो हलाकत की तरफ ले जाएगी, वो शहवत, और अगर उसमें दवाम आ जाए, वो हर वक्त दायमी सुबह शाम हर वक्त बंदा वो शहवत बंदे के दिल को पकड़ ले और वो छूटे ही ना, और हर वक्त चिमट जाए, उसके अंदर जम जाए, तो वो मोहब्बत है। मैंने कहा बंदा गालिब था, सवार था, तो वो ख्वाहिश थी। अब ख्वाहिश बंदे के ऊपर सवार हो गई तो शहवत हो गई, और अगर वो शहवत जम गई दिल में, शहवत दिल में जम गई कि अब हटने का नाम ही नहीं लेती, और अब बंदे के बस में ही नहीं रहा कि उससे हट सके, और जम गई है, रात दिन उठते बैठते चलते फिरते खलवत व जलवत में वही ध्यान अब उसने काबू कर लिया है, तो वो मोहब्बत है। तो शहवत पर मोहब्बत का रंग चढ़ गया, हवा से शहवत बनी ख्वाहिश से, और शहवत पर मोहब्बत लग गई तो मजबूत तर हो गई। अब अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस्तेमाल फरमाया हुब्बु शहवात, जब शहवतों के साथ मोहब्बत हो जाती है, तो इसका मतलब है कि बंदा शहवत में इस तरह घिर जाता है कि अब वो रात दिन जिंदगी के किसी लम्हे उससे जान ही नहीं छुड़ा सकता, वो उसके जहन पर दिल पर मुसल्लत हो जाती है, उसको ख्याल ही यही रहता है कि अब मैंने ये हासिल करके छोड़ना है,
ये लेकर छोड़ना, यही कुछ करना है। वो न मिला तो मैं बर्बाद हो गया, मैं बेचैन हो गया, सुकून ख़त्म हो गया, मेरा कुछ भी ना बचा, मैं ख़त्म हो गया, इस तरह के ख्यालात आते हैं। अब उसकी ज़िंदगी उसी के साथ है, अगर इस तरह जम जाए तो गोया शहवत को मोहब्बत ने घेर लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया हुब्बु शहवात, कि इन शहवतों की, कौन सी, औरतों की, जो अपोजिट सेक्स है, औरतों की शहवत, बच्चों की, औलाद की शहवत, औलाद की शहवत से मुराद औलाद की, उनकी भलाई की ख्वाहिश, ये शहवत है, उनसे प्यार ये शहवत थी, उनका अच्छा सोचना शहवत है, उनको देखकर आंखें ठंडी हों ये शहवत है, उनको देखकर दिल ठंडा हो जाए ये शहवत है, उनको पलता हुआ देखकर माशाल्लाह दिल को खुशी मिले, मसरत मिले, राहत मिले जान को, ये शहवत है। शहवत इट सेल्फ, मैं बता दूं, ना अच्छाई है ना बुराई, इट सेल्फ ना नेकी है ना बदी, ये एक कैफियत है, ये नफ्स की एक कैफियत है। डिपेंड करता है कि उसका टारगेट क्या है, उसकी मंजिल अच्छाई की तरफ है तो अच्छाई की तरफ ले जाएगी, बुराई की तरफ है तो बुराई हलाकत की में डाल देगी। मगर उस शहवत अगर वो इतनी गालिब हो जाए कि मोहब्बत, मोहब्बत कहते हैं लुजूम और दवाम को, मोहब्बत का माना है समझ लें उलुव, जहूर, लुजूम और दवाम और सबात, यानी ऊपर गालिब आ जाना, हर वक्त पकड़ लेना, जकड़ लेना, लाजिम हो जाना, उसके साथ चिमट जाना, अगर ये कैफियत उस शहवत को मिल जाए तो गोया मोहब्बत और शहवत जमा हो गए, मोहब्बत और शहवत जमा हो गए। जब शहवत के साथ मोहब्बत जमा हो के मल्टीप्लाई हो जाती है तो यहाँ खतरात शुरू हो जाते हैं, यहाँ वो मोहब्बत फितना बनने लगती है, आजमाइश, बंदा अपना बैलेंस खो देता है, फिर तवाज़ुन खो देता है, अदल और इंसाफ खो देता है। और अब कुरान मजीद ने कहा हुब्बु शहवात के ऊपर एक तीसरा लफ्ज़ ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बु शहवात, कि ये जो शहवतें हैं इनको अगर मोहब्बत घेर ले और वो शहवतों की मोहब्बत बन जाए और फिर शहवतों की मोहब्बत अगर आरास्ता हो जाए, मुज़य्यन हो जाए, उनको जीनत मिल जाए, वो बड़ी अट्रैक्टिव बन जाएं, डेकोरस बन जाएं, बड़ी खूबसूरत लगें, भा जाएं, तो गोया पहले शहवत थी, शहवत पर मोहब्बत चढ़ गई, मोहब्बत पर जीनत चढ़ गई, आरास्तगी चढ़ गई, डेकोरेशन मिल गई, अट्रैक्टिव हो गई। तो फरमाया जब तीन चीज़ें जमा हो जाती हैं तो ये तहें बन जाती हैं, वो तहें बन जाती हैं कि अल्लाह की कुर्बत का हुस्न नज़र आना छूट जाता है, अल्लाह की कुर्बत का एहसास छूट जाता है, अल्लाह की कुर्बत का ख़जाना बहुत नीचे दब जाता है इंसान की ज़िंदगी में, शहवतों की तहों के अंदर, कहीं बीवियों की या औरतों की शहवत, कभी औलादों की शहवत, पोते पोतियों की शहवत, पड़पोते पड़पोतियों की शहवत, नवासे नवासियों की शहवत, खूनी रिश्तों की शहवत, फिर सोने चांदी की शहवत, फिर माल और दौलत की शहवत, अमीरी की शहवत, फिर सल्तनत की शहवत, फिर मनसब की शहवत, फिर ताकत की शहवत, हुकूमत की शहवत, फिर ज़रात की शहवत, मईशत की शहवत, आसानी आसाइश की शहवत, ये सारी शहवतें पर्दे बन जाते हैं, इनके पर्दे हैं, और ये पर्दे दबाते चले जाते हैं, ये तह दर तह अल्लाह की कुर्बत के एहसास को, अल्लाह की विलायत और कुर्बत के शऊर को दबाते चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, इनको चूंकि बंदा रोकता नहीं तो इनकी खूबी यह है कि अगर रोके नहीं, काटे नहीं, तो बढ़ते चले जाते हैं, दरख्त की तरह। देखो एक दरख्त है या आपके घर में गार्डन है, उसकी शाखें हैं, आपने ग्रीनरी लगाई हुई है, तो अगर काटे नहीं तो वो फैलती चली जाती हैं शाखें जंगल की तरह, दरख्त अगर काटे नहीं तो उसकी शाखें निकलती चली जाती हैं, तो शहवत का दरख्त बढ़ता चला जाता है, अगर काटेंगे नहीं तो इससे 100 शाखें निकलेंगी, उन पर फल लगेंगे, ये बढ़ता चला जाएगा, तनावर दरख्त हो जाएगा। शहवत का दरख्त, इसको मोहब्बत का पानी मिलता है, मोहब्बत के पानी से शहवतों का दरख्त तनावर होता है, और शहवत हर शख्स की ज़िंदगी में है, क्या ख्वाहिश, कभी एक स्टेज होती है कि इब्तिदा में वो ख्वाहिश जब तक बैलेंस रहे जायज़ होती है, जब वो तवाज़ुन खो दे तो वही जायज़ ख्वाहिश नाजायज़ बनने लगती है, रोज़गार की ख्वाहिश जायज़ है, जब आप रोज़गार को इतना सवार कर लें कि माल और दौलत की वजह से हलाल और हराम का फ़र्क मिटा दें, नाजायज़ हो गया। इज्जत की ख्वाहिश जायज़ है, मगर इज्जत दूसरे की बेइज्जती का बायस बनने लगे या खुद पसंदी का बायस बनने लगे, खुद परस्ती का बायस बनने लगे, आपको अपनी इज्जत के सिवा सूझे ही कुछ ना,
یہ شہوت بن گئی, حب و شہوہ, یہ منفی ہو گئی, گناہ ہو گیا. اسی طرح ہر چیز کو مثال میں دیتے, راحت, خواہش راحت کی بری چیز نہیں ہے, مگر بندہ راحت کا غلام بن جائے کہ راحت کے بغیر رہ ہی نہ سکے, شکوا جنم لے, اگر راحت نہ ملے تو شکایت جنم لے, تو وہ ختم ہو گئی, جواز ختم ہو گیا ناجائز کے دائرے میں. ہر خواہش اگر بری چیز کی نہیں ہے تو اصلاً جائز ہوتی ہے, مگر جب وہ حد کراس کرتی ہے اور شہوت کے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو برائی کے رینج میں آ جاتی ہے. جب اس پر محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو بڑی آزمائش بن جاتی ہے. اس پر فرمایا زینا, پھر اگر یہ آراستہ ہو جائے تو آنکھوں پر پردے چڑھ جاتے ہیں, بندہ اندھا ہو جاتا ہے, اس کو شعور ہی نہیں رہتا, اس کو شعور ہی نہیں رہتا کہ اللہ پاک کی قربت کتنی دور چلی گئی, میں اللہ کے حکم سے کتنا دور چلا گیا. نافرمانیوں کی تاریکی اسے نظر نہیں آتی, اپنی نافرمانی کا احساس نہیں ہوتا, اپنے ظلم کا احساس نہیں ہوتا, گناہ کر کے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ تین قسموں کی تہیں چڑھ جاتی ہیں. شہوت کی تہیں تھیں, اوپر محبت کی تہیں چڑھی, پھر زینت کی تہیں چڑھی, آراستگی کی. تو یہ جو تین قسموں کی تہیں ہیں, کیٹیگریز ہیں, لیئرز کی, یہ ساری جب ملتی ہیں تو اللہ کی قربت کا احساس ختم ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ اپنی بندگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق اور ولایت کا احساس ختم ہو جاتا ہے, اور بندہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے. اور ہدایت کی ابتدا کیا ہے؟ ہدایت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جو چیز آج ہم نے بیان کی اس کا شعور بیدار ہو جائے کہ میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں, اللہ میرے قریب تھا, اللہ میرے قریب ہے, اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اور قریب نہیں ہوگا. اللہ کی قربت کا احساس ہو جائے کہ میں دور ہوں اللہ سے, مجھے کس کس شے نے دور کر رکھا ہے, کیا کیا اسباب بنے ہیں مجھے اللہ کی قربت کے احساس سے محروم کرنے کے اور اللہ سے دور کرنے کے. جب یہ احساس ہو جائے اور بندہ سوچے کہ اب دوری کیسے ختم ہوگی, تو سمجھیں اس کی زندگی میں ہدایت کی ابتدا ہو گئی. اس کو عربی میں بدایت الہدایہ کہتے ہیں, کہ یہ احساس پیدا ہو جانا کہ کیسے اللہ کی دوری ختم ہو اور کیسے اللہ کی قربت مجھے نصیب ہو اور میں بھی اللہ کے قریب ہو جاؤں, اس احساس کی بیداری کو بدایت الہدایہ کہتے ہیں, کہ اب ہدایت کی ابتدا ہو گئی. یہ اس کا ذکر کر دیا تو کل انشاءاللہ ہم بدایت الہدایہ, جس پر آج بات کو ختم کر رہے ہیں کہ ہدایت کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیسے بندہ اس میں داخل ہوتا ہے, اگلا سبق انشاءاللہ امام غزالی کے الفاظ کے ساتھ کل شروع کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے اور ہمیں اس شعور کی بیداری نصیب کرے. آپ جو اعتکاف میں آئے ہیں یہ دراصل اس کھدائی کے لیے آئے ہیں, جو اللہ کی قربت تھی اور ہے اور تہیں چڑھ گئی ہیں ہماری غفلت کی, شہوت کی, دنیاوی محبت کی اور دنیاوی آرائش اور زینت کی, اور ہمیں احساس ختم ہو گیا ہے. آپ اس کھدائی کے لیے آئے ہیں تاکہ خزانے تک پہنچیں. خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو 10 دن ایسی کھدائی کرے کہ خزانے تک پہنچ جائے اللہ کی قربت کے. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے. وما علینا الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.